ये है मेन रोड, और यहाँ से हमको थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद खेतों के साइड में ही हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे। यहाँ पर कोई कार पार्किंग या गाड़ी पार्किंग नहीं है, तो लोग आते हैं तो खेतों के साइड में ही कार पार्किंग कर लेते हैं। और अब हमको यहाँ से पैदल आधा किलोमीटर दूर ऊपर की तरफ चल के जाना पड़ता है। बाइक जा सकती है, रास्ता कच्चा है, लेकिन उसके लिए मौसम का साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खड़ा रास्ता है और ऊपर से मिट्टी का रास्ता है, तो बारिश होने पर फिसलने का डर रहता है। और जो आप पीछे का ये सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं ना, एकदम हरा भरा, नीट एंड क्लीन, तो इसे हम कहते हैं छोटा लद्दाख। सेफ प्लेस है, तो आप आएंगे तो अकेले मत आइएगा, जब भी आएंगे तो आप फैमिली के साथ आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रियल में वाओ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ चारों तरफ की सुंदर और हसीन वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और अब हम जाएंगे जो पीछे की तरफ छोटा सा तालाब दिख रहा है ना, लेक की तरफ जाएंगे, और रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो ऐसे में हम जब भी आते हैं तो शू पहन के आएंगे तो बहुत बेटर रहता है, चलने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो चलिए अब मैं जाऊंगी नीचे की तरफ चल के, तो अभी हम नीचे का नज़ारा दिखेंगे। कुछ देर चलने के बाद आपको ये बहुत बड़ा एक पाइप दिख रहा है ना, इसमें वाटर सप्लाई होता है और इसमें पानी की आवाज़ आती है, जैसे कि झरने से पानी गिरता है ना, ऐसा आवाज़ आता है। और ये बाहर से सीमेंटेड कोटेड है। और मैं अभी पहुंच गई हूँ लेक के पास, और ये सुंदर सा पीछे आपको लेक दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर लेक है। एक्चुअल में एक क्वेरी है, कहते हैं पत्थरों का खदान, और पत्थर खोदते खोदते ऑटोमेटिक ये एक लेक बन गया था, और इसमें जो पानी है ना, जो बरसात का पानी है, आके रुक गया था और ऑटोमेटिक एक लेक बन गया है, और दिखने में बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, आप जब इधर आते हैं तो इसमें स्विमिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये 200 फीट गहरा है और आप इसमें स्विमिंग करेंगे तो बहुत डेंजर है, तो आप स्विमिंग मत कीजिएगा। क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर आने पर भी बैन लगा दिया था, लेकिन अभी हम लोग आ सकते हैं। इधर आने के बाद मुझे तो बहुत ही प्यारा एक फ्रेंड मिल गया, और ये मेरे साथ में इतने अच्छे से पेश आ रहा है जैसे कि ये मुझे बहुत सालों से जानता होगा। और मैंने कुछ देर से बातें की और मेरे साथ बैठा, तो बहुत ही प्यारा फ्रेंड है। वैसे जानवर में रियल में बहुत प्यारे होते हैं, बट इनको बहुत प्यार से हमको हैंडल करना होता है। ऐसा लग रहा है अब बारिश होने वाली है, क्योंकि आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं। तो मेरा अब टाइम हो गया है घर की तरफ जाने का, तो अब मैं जाती हूँ घर की तरफ।
तो ये था मेरा एक्सपीरियंस छोटा लद्दाख के बारे में। अगर आप छोटा लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आप छोटा लद्दाख जा चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी जर्नी टू छोटा लद्दाख।